सभी प्रशिक्षुओं का आज की कक्षा में अपना स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि पिछली कक्षा में हमने चर्चा किया था कि अटेंशन को ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, उसमें तो कुछ परिस्थितियां शेष रह गई थी, कुछ तत्व शेष रह गई थी जिस पर हम आज चर्चा करेंगे। और ये सब जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं उसका मेन टॉपिक है बेसिक कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसके तहत अटेंशन भी एक कंडीशन आता है जो क्या करता है, सीखने को प्रभावित करता है। तो आइए आज हम देखेंगे कि वैसे कौन कौन से तत्व शेष रह गए हैं जो अटेंशन को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं। चलिए इस पर हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं। आज का भी टॉपिक हमारा क्या है, अवधान अर्थात ध्यान, ठीक है। और कौन से तत्व के विषय में आज हम चर्चा करेंगे, आंतरिक तत्व, ठीक है। इसको मैं एक चित्र के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ। ये है अटेंशन, ठीक है। अब इसको कौन कौन से आंतरिक तत्व प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। चलिए चर्चा करते हैं, देखिए अटेंशन को कौन कौन से जो आंतरिक तत्व जो शेष रह गए थे प्रभावित कर रहे हैं। इनका होना अत्यंत ही आवश्यक है, अन्यथा क्या होगा, अटेंशन होगा ही नहीं। तो फिर बच्चा सीखेगा कैसे, सीखने के लिए अटेंशन का होना अत्यंत ही आवश्यक है, ठीक है। तो शेष में बाकी शेष जो तत्व थे उसके तहत बाकी रह गए थे एटीट्यूड, एटीट्यूड। इसका क्या तात्पर्य हो गया, एटीट्यूड अभिवृत्ति, अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति जो हमारे विचार में, जो हमारे मन में जो विचार है पॉजिटिव या नेगेटिव, वो हमारा क्या है, एटीट्यूड है, हमारी अभिवृत्ति है, ठीक है। तो जिस स्टूडेंट्स के प्रति जैसी हमारी अभिवृत्ति रहेगी, अर्थात जिस व्यक्ति वस्तु स्थान जिस टॉपिक नृत्य के प्रति जो हमारी जैसी अभिवृत्ति रहेगी, हम वैसा ही हमारा ध्यान भी लगेगा, ठीक है। अगर लगाव रहेगा तो स्वतः ही हमारा ध्यान क्या रहेगा, उस ओर चला जाएगा। अगर लगाव नहीं रहेगा तो उस ओर ध्यान नहीं जाएगा। कहने का तात्पर्य कि हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा तो हमारा ध्यान स्वतः ही लग जाएगा, निगेटिव रहेगा तो हमारा ध्यान कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है। स्पष्ट हो गया। मान लीजिए कि किसी खाने पीने के चीज के प्रति आपके पॉजिटिव एटीट्यूड है तो स्वतः ही उसके प्रति आपका ध्यान चला जाएगा, और जिसके प्रति नहीं है तो वहां आपका ध्यान जाएगा ही नहीं। उसी तरह वस्त्र के संबंध में भी है, जो वस्त्र आपको ज्यादा पसंद आते हैं स्वतः ही ध्यान चला जाता है, ठीक है, और जो पसंद नहीं वहां ध्यान नहीं जाता। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड ध्यान को क्या करता है, बहुत प्रभावित करता है। जिस व्यक्ति के प्रति आपका लगाव है पॉजिटिव एटीट्यूड, स्वतः ही ध्यान उधर चल जाएगा, और जिस व्यक्ति के प्रति लगाव नहीं है आपका ध्यान नहीं जाएगा भले कितना ही प्रयास किया जाए। स्पष्ट हो गया कि एटीट्यूड क्या करता है, आंतरिक रूप से ध्यान को प्रभावित करता है। चलिए आगे के तत्वों पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो आगे का क्या तत्व है, मानसिक और शारीरिक स्वस्थता, यानी क्या है, मेंटल और फिजिकल हेल्थ, ठीक है। ये तो हम सब जानते ही है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का क्या होता है, निवास होता है। व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी उसका ध्यान लगेगा। अगर वो स्वस्थ नहीं है, तरोताजा नहीं है, बीमार है, तो उसका ध्यान कभी भी नहीं लगेगा। इसलिए ध्यान लगाने के लिए क्या आवश्यक है, व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, तरोताजा रहना, थका हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे के जल्दी से तत्व पर नजर डाल देते हैं, समय की भी कमी है। उसके बाद है पूर्व अनुभव, क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस। आप सब बीएड में तो ये बनाए हैं लेसन प्लान में पूर्व अनुभव, बच्चों के पूर्व अनुभव की जांच करते हैं सेट इंडक्शन के माध्यम से। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे को जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले पूर्व अनुभव है तो आपको पता चल जाता है कि बच्चा सीखेगा, ध्यान लगाएगा। अगर पूर्व अनुभव है ही नहीं तो बच्चा ध्यान ही नहीं लगाएगा और सीखेगा ही नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि अटेंशन के लिए क्या जरूरी है, जिस जो विषय आप पढ़ा रहे हैं
जो व्यक्ति के विषय में आप बता रहे हैं, जिस स्थान के विषय में बता रहे हैं, जिस वस्तु के विषय में बता रहे हैं, उसके प्रति बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसका पूर्व ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। समझ गए, स्पष्ट हुआ? चलिए आगे के तत्व पर जल्दी से नजर डाल देते हैं। उसके बाद है आदत और स्वभाव, हैबिट। हमारी जैसी आदत रहती है, हमारा जैसा नेचर रहता, स्वभाव रहता है, वैसे ही हमारा ध्यान भी आकर्षित होता। मान लीजिए कि हम साफ सफाई पसंद करते हैं, तो स्वतः ही साफ सफाई के ऊपर हमारा ध्यान चल जाएगा। ठीक है, मेरी आदत है कि हम सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया करके उसके बाद फिर हम व्यायाम करते हैं, तो स्वतः ही मेरा ध्यान क्या व्यायाम की ओर चला जाएगा कि मुझे व्यायाम ही करना है। ठीक है, इसके विपरीत अगर मेरी आदत ऐसी नहीं है तो मेरा ध्यान व्यायाम के ऊपर नहीं जाएगा, किसी अच्छे कार्य के ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हुआ? स्वतः ही ध्यान जाना। तो आदत और स्वभाव भी क्या करते हैं, ध्यान को प्रभावित करते हैं। चलिए आगे के तत्व पर और जल्दी से नजर डाल लेते हैं। आगे का तत्व है मूल प्रवृत्ति, इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस। इंस्टिंक्ट एंड इमोशंस एक दूसरे से जुड़े हुए, इंस्टिंक्ट से क्या निकला हुआ है, इमोशंस निकला हुआ है। जैसे मातृत्व इंस्टिंक्ट है, तो उससे क्या निकलेगा, इमोशंस, बच्चों के प्रति प्रेम निकलेगा। ठीक है, आप किसी से घृणा करते हैं तो आपका कौन सा इमोशंस निकलेगा, ईर्ष्या निकलेगा, द्वेष निकलेगा। ठीक, समझ गए? तो इसका कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति का जैसा मूल प्रवृत्ति होता है, संवेग वैसा होता है, ध्यान भी उसी तरह लगता है। मान लीजिए, जस्ट छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ कि कोई व्यक्ति सृजनात्मक प्रवृत्ति का है तो उसका ध्यान किस ओर जाएगा, सृजनात्मक कार्य की ओर जाएगा। वो सृजन करना चाहेगा, कुछ नया करना चाहेगा, वो क्रिएटिव कुछ करना चाहेगा, तो ध्यान उस तरह चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुरानी वस्तुओं को इकट्ठा करके रखने की जो यूनिक है, ऐसे उसकी प्रवृत्ति है, तो स्वतः ही वो इस तरह के कार्य की ओर उसका ध्यान चला जाएगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? अर्थात जैसी मेरी प्रवृत्ति रहेगी, संवेग भी उसी तरह होगा और हमारा ध्यान भी उसी तरह क्या होगा, आकर्षित और विकर्षित होगा। ठीक है, स्पष्ट हो गया? तो आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा कि वैसे कौन कौन से तत्व हैं जो अटेंशन को आंतरिक रूप से प्रभावित करते हैं, जो कि सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति अगर ध्यान नहीं देगा तो वो कभी भी सीख नहीं पाएगा। तो आप सभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप कक्षा में बच्चों का ध्यान लगाएंगे, तो इन सब बातों का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, तभी आपकी क्लास में बच्चे ध्यान से आपके टॉपिक को सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और आपके शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सफल होगी। तो आज की कक्षा में इतना है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे सवाल कीजिए, व्हाट्सएप पर प्रश्न पूछे, मैं आपको जवाब दूंगी और आपके डाउट्स को दूर करने का प्रयास करूंगी। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।